108 जय अंबे इमरजेंसी सर्विस भोपाल द्वारा नरसिंहपुर जिले को एडवांस लाइफ सपोर्ट के रूप में नई सौगात मिली। यह एम्बुलेंस आधुनिक मशीनें एवं नए उपकरणों से लैस है। इसमें वह सारी सुविधाएं हैं जो एक आईसीयू में होती हैं, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट नरसिंहपुर से जबलपुर मेडिकल कॉलेज को रेफर होते हैं, उनको आईसीयू की सुविधा अब इस गाड़ी में ही मिल जाएगी। इस एम्बुलेंस को नरसिंहपुर कोतवाली के टीआई अमित विलास एवं महिला थाना प्रभारी ने समस्त स्टाफ के साथ मिलकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शासन द्वारा क्षेत्र के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधा है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जो सुविधाएं आईसीयू में उपलब्ध होती हैं, वे सभी सुविधाओं के साथ इस एम्बुलेंस को तैयार किया गया है। और ये एम्बुलेंस क्षेत्र के नागरिकों के लिए उनकी आपातकाल की स्थिति में जो किसी प्रकार की इमरजेंसी में घायल होते हैं, बीमार होते हैं, तो उन्हें सुचारू रूप से उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य अस्पताल तक पहुँचाने के लिए तैयार कर उपलब्ध कराई गई, अतः इसे आज शुभारम्भ किया गया है। ठीक, ये गाड़ी 108 जय अंबे इमरजेंसी सर्विस भोपाल के द्वारा यह नरसिंहपुर ज़िले के लिए नई सौगात बन के आई है। इस गाड़ी में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक आईसीयू के अंदर होती हैं, और ये गाड़ी यहाँ के नागरिकों को जो ख़ास तौर से जबलपुर के लिए पेशेंट रेफर होते हैं, उनके लिए ये वरदान साबित हो। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं CMHO AK जैन साहब, उनसे भी इस गाड़ी को हरी झंडी दिलवाई है। लेकिन ये गाड़ी इस यहीं पर रहती है, ये इसकी बेस लोकेशन है, इसी थाने में रहती है, तो भी सभी स्टाफ जो है उनके अंडर में ये गाड़ी रहती है, तो उनका भी कुछ रिस्पांस और कुछ हमारा भी है, तो इसलिए हमने उनसे भी हरी झंडी। मैं जिला प्रभारी 108 नरसिंहपुर हूँ और मेरा नाम है इंद्रजीत साठ। दोस्तों, न्यूज़ ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।